यूपी के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 150 सीट तक लेने जा रही है। एक कांग्रेस पार्टी जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या बना। महिला सशक्तिकरण की आवाज हूँ मैं, शिवराज हूँ मैं, शिवराज। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी, आप पक्की मान लीजिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम गया है। बीजेपी कांग्रेस के सियासी सूरमाओं ने आखिरी वक्त तक खूब जोर लगाया और अब 17 नवंबर को जनता ईवीएम में अपना फैसला कैद करेगी। पीएम मोदी ने कल इंदौर में रोड शो कर मध्य प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार को विराम दिया और इसके बाद झारखंड पहुंचकर मोदी ने वहीं से चुनावी राज्यों के आदिवासी वोटर्स को सीधा संदेश दिया। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जब पीएम मोदी झारखंड के खूंटी जिले में स्थित उलिहातू गांव पहुंचे, जो भगवान बिरसा मुंडा का गांव है। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। आदिवासी समाज में क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है और पांचों चुनावी राज्यों में आदिवासी समुदाय हार और जीत का बड़ा फैक्टर है। छत्तीसगढ़ में 31% आदिवासी आबादी, जिनके लिए 32% यानी 29 सीट आरक्षित। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी, जिनके लिए 20% यानी 47 सीटें रिजर्व हैं। राजस्थान में करीब 13.5% आदिवासी हैं और उनके लिए 12.5% यानी 25 सीटें रिजर्व हैं। पीएम मोदी भले ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रचार के आखिरी दिन की सुबह झारखंड में रहे हों, लेकिन संदेश वहां तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं बाकी। और बीजेपी के इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से सरकार बनने की हुंकार भरी। मुझे बताओ, 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? ईश्वर साहू जी को जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बीजेपी मोदी मैजिक और शाह की रणनीति के दम पर जीत की हुंकार भर रही है, तो गढ़ बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जोर लगा रखा है। 2 महीने पहले ही उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। वी आर सर्टेनली विनिंग मध्य प्रदेश, वी आर सर्टेनली विनिंग छत्तीसगढ़। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन सिंधिया की बगावत ने कांग्रेस का नंबर गेम बिगाड़ दिया और 1.5 साल में ही शिवराज सरकार सत्ता में लौट आई। लिहाजा अब राहुल 150 सीट का दावा ठोक रहे हैं, तो प्रियंका अपने अंदाज से शिवराज मामा को घेर रही है। 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में लौटने का ख्वाब संजो रही और छत्तीसगढ़ में सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में 2-2 सभाएं कर चुके हैं। कल प्रियंका ने रायपुर में मेगा रोड शो कर ताकत दिखाई। पांचों चुनावी राज्यों में प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा सक्रिय छत्तीसगढ़ में नजर आईं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मजबूत दुर्ग माना जा रहा है, लेकिन चुनाव के बीच महादेव सटाप ने बघेल सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। खुद सीएम बघेल जांच एजेंसियों के शिकंजे में है और इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर पहले चरण में पस्त और दूसरे चरण में अस्त का नारा बुलंद कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है।
ये जयघोष है। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। छत्तीसगढ़ के दूसरे फेज का चुनाव और मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को होगा। प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन मुद्दों की गूंज और बयानों की बौछार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की फिजा में तैर रही है। और जनता जनार्दन किस पर विश्वास करेगी, इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा।